हेलो एवरीवन, दिस इज़ असिका। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल असिका फैशन एंड ब्यूटी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के रिव्यू करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप रेडिएंट फेस क्रीम के बारे में। तो पहले मैं तो बता देती हूँ रोज़ हिप के बारे में। रोज़ हिप ऐसा होता है कि रोज़ की जो पंखुड़ियाँ निकलने के बाद जो अंदर का गुठली टाइप का जो होता है उसे रोज़ हिप कहा जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, रोज़ हिप किसे कहते हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हो, रोज़ हिप इसे ही कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंड हम सभी को पता है कि रोज़ हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है ग्लो प्रोवाइड करने के लिए। हम तभी तो रोज़ वाटर, रोज़ हर चीज़ में रोज़ वाटर यूज़ करते हैं इसके लिए, एंड रोज़ हिप इससे भी बढ़िया काम करता है। तो मैंने ये वाला लिया है, मैंने यूज़ किया है, काफ़ी बार मैंने यूज़ किया है एंड मैं बहुत अच्छे से कह सकती हूँ बहुत अच्छा क्रीम है। पहले तो मैं बता देती हूँ, इसका फुल नेम है रोज़ हिप गुड वाइब रेडिएंट फेस क्रीम। अब बहुत अच्छे से देख सकते हो, इसके अंदर कोई पैराबेंस नहीं है, सल्फर नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, बहुत ही अच्छा है, नेचुरल प्रोडक्ट है। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है, इसका प्राइस अंडर 245 रुपीज़ है एंड इसको आप डेफिनेटली अगर पर्पल से बाई करोगे तो डिस्काउंट में ही मिलेंगे। ये 295 या 200 के अंदर आपको मिल जाएगा एंड इसका पैकेजिंग अगर देख सकते हो, ये ब्लैक है, प्लास्टिक बॉटल में आता है, ये कांच का नहीं है, प्लास्टिक बॉटल में आता है एंड इसका जो कैप है वो गोल्डन कलर में, गोल्डन आप देख सकते हो, थोड़ी सी मिररी टाइप का गोल्डन है एंड साइन करता है, बहुत अच्छा है एंड आप देख सकते हो इसका जो सेल्फ लाइफ है वो भी बहुत अच्छी है। इसका सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स होते हैं एंड इन्ग्रीडियंट्स जितने होते हैं वो सब लिखे होते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ लिखा होता है, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ के आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसका ये है कि आप अगर लड़की हो लड़का हो सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भाई यूज़ करता है, मुझे पता है उसे भी सूट करता है एंड आपका जो अगर आपका ड्राई टू नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो ये बिल्कुल आपको यूज़ करना चाहिए। अगर ऑयली स्किन है तो आप इसको समर में यूज़ ना करो, विंटर में यूज़ करो एंड समर में आप जेल यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरी तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, फिर भी मैं विंटर में ये क्रीम यूज़ करती हूँ, हर तरह की क्रीम मैं यूज़ करती रहती हूँ एंड फिर मैं समर टाइम में मैं जेल यूज़ करती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को खोल कर दिखा देती हूँ, इसका कैप मैंने खोल लिया, अंदर देखो, अंदर ढक्कन टाइप का कुछ दिया होता है, इस ढक्कन एंड अंदर देख सकते हो कि मैंने कितना इसको यूज कर लिया है, बिल्कुल इतना सा रह गया इसके अंदर एंड आप देख सकते हो उधर से तो खाली हो गया यार बुरा। एंड मैं आप लोगों को स्वेचेस दिखा देती हूँ, इसका मतलब कितना है, कैसा है। इसका कलर तो बेबी पिंक है एंड इसको मैं इतनी सी अमाउंट में लेती हूँ फेस के लिए, मेरा फेस बहुत छोटू सा फेस है, मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है। आप इतना सा ले के मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हो मेरी स्किन रूखी सूखी बेजान स्किन पे मैंने लगा दिया एंड इसको आप देख सकते, स्टिकी नहीं है, बहुत स्टिकी फील नहीं करता आपको, बहुत ही मॉइस्चराइज अंदर से मॉइस्चराइज करता है एंड आपको ना मतलब सॉफ्ट फील होगा कि आपका ना चिक्स जो है वो ग्लो करेगा, मतलब सॉफ्ट फील होगा, फिर ग्लो भी करेगा, बहुत अच्छा मतलब फील होता है कि आपने कुछ लगाया, बहुत ही सॉफ्ट सेटिस्फाइंग है एंड देख सकते हो वेली नहीं है, ये अब्जॉर्ब कर जाता है स्किन में, लेकिन डीपली मॉइस्चराइज भी करता है लेकिन अब्जॉर्ब कर जाता है, आप देख सकते हो स्टिकी नहीं है। और मैं हाथ से भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, शायद दिख रहा होगा एंड अगर लाइट इशू की वजह से नहीं पता चल रहा है तो सॉरी गाइस, मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी कि बहुत अच्छी वीडियो लाने की, मतलब लाइटिंग की। एंड देख सकते हो मैंने इतना यूज़ कर लिया है और इतना सा रह गया है, तो मैं डेफिनेटली इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है वही दे सकती हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम यूज़ किया और रिव्यू कर दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट आपके ऊपर काम करता है तभी आप 7 दिन यूज़ करो या फिर 10 दिन यूज़ करो, उसके बाद ही रिव्यू किया जा सकता है। मैंने सोचा था कि मैं इसका रिव्यू नहीं करूँगी, फिर मैंने सोचा कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा तो अगलो मगर
आप लोगों को भी अगर लेना हो तो फिर आप लोगों को भी बता देती हूँ कि ये कितना अच्छा है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं। ख़त्म हुआ तो क्या है, बहुत अच्छा क्रीम है। अगर आप लेने की सोच रहे हो ना कुछ भी क्रीम, तो आप ना पहले ये जाके आगे एक बार ट्राई करो, ट्राई करो और फीडबैक ना मुझ पे मुझे शेयर करो कि आपको कैसा लगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप यूज़ करो। एंड आप लोग मुझे बताओ, फीडबैक शेयर करो और फिर यूज़ करो। और फिर दोबारा जब आप आपको कोई और प्रोडक्ट के बारे में भी जानना है तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।